टोटल आप लोग यशस्वी प्रधानमंत्री जन्मदिन आबादे दमकुशील खाई आगुआल इंग्लिश मीडियम टॉय स्कूल खाई यशस्वी प्रधानमंत्री जन्मदिन सफाई अभियान खाई जी जन्मदिन स्वच्छ भारत मिशन खाई सारा भारत बर्षतम हाँ भारत बर्ष ने यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जन्मदिन पालन स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री जी ने अपना जन्मदिन सेवा करके मनाते हैं। लोग केक काट के मनाते हैं, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी गरीबों का सेवा, स्कूल का साफ सफाई, हॉस्पिटल का साफ सफाई, सार्वजनिक जगह जो कुआं हो, तालाब हो, ऐसे जगहों का साफ सफाई स्वयं भी करते हैं और देश के जनता से भी आग्रह करते हैं कि देश को स्वच्छ रखने के लिए देश की जनता से आग्रह करते हैं कि सब मिल करके हम लोग जो है स्वच्छता के लिए साफ सफाई करें। और आज हम सब लोग जो है उनके जन्मदिन पर यहाँ पर सुपर इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल इस प्रांगण में यहाँ के बच्चों के साथ, यहाँ के शिक्षकों के साथ और ये जो जम्पई हिल के आसपास के सभी हमारे प्रबुद्ध जनों के साथ हम सब यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं और आगे भी जाएंगे। और आज जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी उड़ीसा भुवनेश्वर जा कर के वहाँ उन्होंने भी वहाँ के लोगों के साथ साफ सफाई कर रहे हैं और गरीबों के लिए एक विशेष योजना वहाँ चला रहे हैं, सुभद्रा योजना, वहाँ के बहनों के लिए जो विशेष लाभ हो सुभद्रा योजना के माध्यम से वहाँ की माताएं बहनें को आर्थिक उन्नति हो, वो लोग आत्मनिर्भर हो, इसलिए ऐसे योजनाओं को भी गरीबों के लिए समर्पित करने के लिए जा रहे हैं, सेवा का काम करने के लिए जा रहे हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जी का जन्म जयंती दिवस मना रहे हैं। सर आप तो त्रिपुरा में कई बार आ चुके हैं, क्या क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं त्रिपुरा के बारे में? जो ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात करते हुए सुना था आपको, क्या सोच रहे हैं आगे के लिए? निश्चित रूप से त्रिपुरा के अंदर परिवर्तन आ रहा है, बदलाव हो रहा है। आज से 10 साल पहले जो त्रिपुरा था उस त्रिपुरा से बहुत आगे आज का त्रिपुरा बढ़ा है, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, कनेक्टिविटी के मामले में हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, या तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी। थोड़ा सा आप तो जम्पी हिल आए हुए हैं, आज यहाँ का रोड कनेक्टिविटी देखा आपने, कैसा हाल है? अभी कभी तो आते हैं गाड़ी, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस? अभी तो मैं जहाँ तक आया हूँ, अभी ये पहले नहीं था, अभी वो होना शुरू हो गया है। अभी जहाँ तक मैं रोड में आया हूँ, ये रोड अभी अच्छी बनी है और जो है गांव का जो लिंक रोड है, कनेक्टिविटी है, वो भी अब जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसके पहले बिल्कुल नहीं था। क्योंकि मैं पहले का भी मैं देखा हूँ, आज भी मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक जनजाति ट्राइबल की बात है, ये ट्राइबल का स्कूल है। यहाँ अभी मैं बच्चों से मिलने के लिए गया था छात्रावास में, वहाँ भी पहले की स्थिति क्या थी, लेकिन अभी भी वो ठीक नहीं है, जिसके चलते मंत्री जी यहाँ साथ में आए हैं। वो गर्ल्स हॉस्टल
बनाना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने अभी ये बोले कि ये बॉयज़ का जो हॉस्टल है ये अभी कंजेस्टेड है, बच्चों ने भी बोला, इसलिए इन्होंने अभी बताया बच्चों के सामने इसको डबल स्टोरी हॉस्टल्स बनाएंगे, ये देख करके जा रहे हैं और बनाएंगे, क्योंकि अभी पैसा की कमी नहीं है। सेंट्रल में 275A के अंतर्गत ऐसे जगहों के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ट्रैवल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ यहाँ पर पैसा देना शुरू कर दिए हैं, इसलिए अब ये बदलाव दिखाई दे रहा है। ये मैंने कहा अब आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से यह सरकार डबल इंजन की सरकार है, सेंट्रल में भी और यहाँ भी, इसलिए दोनों मिलकर के जोगाजोग करके ऐसे सारे विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है और आगे बढ़ेगा। ये आप भी देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो पैनी नज़र पत्रकार लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, पैनी नज़र रखते हैं, उल्टी पंछी का पंख गिनते हैं, इसलिए आप लोग सर और देख एक रहे बात होंगे कि सर अभी कितना बदलाव हो रहा है। सर और एक बात है, अभी जो आपके पास खड़े हैं ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, उनके साथ कुछ सोशल मीडिया में उनके बारे में बातचीत हो रहा है कोई, उन्होंने तो कहा है ये नेगेटिव बात हो रहा है, मेरे ऊपर ब्लेम आ रहा है, उस बातों को तो आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कोई भी बात हकीकत रहता है तो वो दिखता है कि ये आरोपी है, लेकिन वो हकीकत बात नहीं है, झूठ है। इसलिए झूठ है कि जिस योजना के बारे में जो बोला जा रहा है उस योजना की फाइल इनके पास नहीं आती है, उनको जानना चाहिए जिन्होंने आरोप लगाया है। और दूसरा है कि इन्होंने यहाँ के जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए इतना काम कर रहे हैं कि बाकी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, कि इतना काम ये कर दे रहा है, स्कूल हो जा रहा है, बाकी चीज़ें हो जा रहा है, तो जो विपक्षी है उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि इतना काम जनजातियों के लिए हो रहा है, क्योंकि अपने समय में तो उन्होंने किया नहीं, खाया, और जो है अभी खाने का आरोप लगा रहा है। इसलिए जो खाता है उसके लिए हमेशा वही चीज़ दिखाई देता है, जो सही चीज़ है वो दिखाई नहीं देता है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो आज जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए, त्रिपुरा के लिए, त्रिपुरा के भविष्य के लिए, त्रिपुरा के बच्चों के भविष्य के लिए जो काम हो रहा है यहाँ, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनिक साहा ने सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे वेलफेयर का हो, चाहे रोड का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे वाटर का हो, चाहे फॉरेस्ट का हो, चाहे जितने भी प्रकार के जो हैं, सारे चीज़ों में काम यहाँ बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, इसलिए उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और दूसरा कोई बात नहीं। थैंक यू सर।